मैं चैनल ज्योति ब्लॉग में आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी छठ करते होंगे। और अब आज ये है ना खरना का दिन है, मतलब नहा खाए का दिन है, जिस दिन मैं ये थाली वगैरह साफ कर रही हूँ क्योंकि पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। फूल के बर्तन होते हैं ना रखे रखे काले हो जाते हैं, तो मैं इसको पुष्तानवी से एकदम साफ करके चमचम चमका लूँगी। उसके बाद से हम लोग निकलेंगे मार्केट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, फल फ्रूट वगैरह लेने थे, प्रसाद लेने थे और मम्मी को रिसीव भी करना था क्योंकि मेरी मम्मी आ रही हैं। तो मैं अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन क्योंकि लेट हो चुका था, उनका ट्रेन था 1:45 पे ही। और ये है दिल्ली सराय रोहिला जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन गाइस यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि 3 घंटे ट्रेन लेट हुई, 3 घंटे बाद आई है, हम लोग रिसीव करके जा रहे हैं घर। उसके बाद हम लोग रास्ते में लेंगे प्रसाद, फिर घर जाएंगे। घर जाने के बाद नहाए खाया तो वो ट्रेन से आई है, नहाना भी हुआ नहीं उनका तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। उसके बाद हम लोग बहुत लेट हो गया थे, रात हो गया था, हमने प्रसाद वगैरह करा, वीडियो में शूट नहीं कर पाए प्रसाद का क्योंकि बहुत ही भूत है भाई। तो ये मैंने अभी लिया स्टोव, मतलब गैस जिस पर मेरी बनाएंगे प्रसाद, हमारे पास नया गैस नहीं था। मैं उसके बाद से अभी जल्दी जल्दी घर पे आके चाय पानी बनाया, उसके बाद से तुरंत मैं ये घी छील रही हूँ जिसको लौकी बोलते हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ लौकी की सब्जी और दाल खाते हैं चने की। तो ये मैं सब कुछ नया नया पैकेट यूज़ करूँगी हल्दी नमक का जो मैं इसमें बना ली एक ही बार डाल के, क्योंकि कहें ना लेट बहुत हो रहा था तो मैं इसमें जल्दी 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 हो जाएगा, मैंने ये सब कुछ इसी में डाल के बैठा दिया। उसके बाद से ये हमारी है थाली जो मैं बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।